कैलाश जी को मंत्री के रूप में लोगों ने वोट दिया था, परंतु उन्होंने विधायकी भी ढंग से नहीं की। मंत्री तो बहुत दूर की बात, मंत्री से इस्तीफा दिया और ऊंची उड़ान, कभी राज्यसभा जाना, कभी मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करना, इसलिए जनता को भूल करके वो अपने पद को तलाशते रहे। इसलिए यहाँ की जनता जो है, उन्होंने सर्वे वगैरह कराया होगा और अपने बच्चों को यहाँ से हटा के इंदौर 3 से लड़ा रहे, वो यहाँ काम नहीं कर सके हैं। ना जनता के पास पानी है, बिजली है, सड़क है और तमाम तरह की वो तकलीफें हैं जो वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनको भौगोलिक स्थिति का ज्ञान ही नहीं था। मैंने 2 साल सूखा घोषित कराया क्योंकि मुझे मालूम है कि किसानों की क्या तकलीफ है। वो इन 10 सालों में सूखा घोषित होने के बाद भी यहाँ पर राहत का कोई कार्य नहीं चला पाए, इसलिए किसान दुखी है, गरीब दुखी है। ये जो क्षेत्र हम यहाँ है, ये पहाड़ी इलाका भी है और यहाँ पर जो है वो घाट सेक्शन भी है। अस्पताल मैंने 60 लाख की बिल्डिंग बनाई थी, आज यहीं की हालत ऐसी है कि ना तो डिलीवरी के लिए सीजर की व्यवस्था है, ना कोई ऑपरेशन थिएटर वगैरह है, ना किसी प्रकार की। अगर मान लो एक गरीब आदिवासी पहाड़ से आती है तो उसे इंदौर रेफर कर दिया जाता है। गरीब महिला को अगर रेफर कर दिया जाए तो प्राइवेट जाए या MY जाए। MY की क्या हालत है ये किसी से छिपी नहीं है। पैसा पकड़ाए थे, शराब पकड़ाई है, रुपये बांटते पकड़ाए हैं और मेडल और ट्रॉफी बांटते पकड़ाए हैं, तमाम हथकंडे उन्होंने अपनाई। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि आचार्य संहिता किस चिड़िया का नाम है, बस इतना बता दें। आचार संहिता जो है पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, जो SDM होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर बन जाता है। ये सब जो कारण है जो मैं चुनाव नहीं जीत, परंतु मैंने जनता के बीच में रहा है, संघर्ष करा है और आज उसी का परिणाम है कि इस बार मैं चुनाव जीतूंगा। कैलाश जी नहीं कर पाए तो ये भी शहरी वातावरण से है। मुझे नहीं लगता कि इनको किसान है, गरीब है, उनकी स्थिति का पता रहेगा। ये सीखते सीखते ही जो है वो समय निकल जाएगा इनके कार्यकाल का और ये काम कुछ नहीं कर पाएगा और जनता फिर ठगी महसूस करेगी।